हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है हेमेंद्र और मैं आपको यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ आपके फेवरेट चैनल पे, जिसका नाम है क्रिएट्रिक्स। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी लास्ट मंथ में एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने उस सब्जेक्ट में कंप्लीट की है इन द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड अभी मैं इस समय आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कई सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि सर ये चीज़ तो नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई। तो आई विल टेल यू कि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था जो कि एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने बनाया था, उस कोर्स को डिजाइन किया था। अगर कोई चीज अगर अब आपको और चाहिए या फिर और आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर हमें बताइए, हम जल्द से जल्द उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड हमारा पूरा टारगेट यही रहता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास जो भी जितनी भी चीजें हैं और उनको जल्द से जल्द आपके पास बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। सो दिस विद दिस मोटिव वी आर हेयर। एंड आज मैं आपके सामने वापस आ चुका हूँ और मैं आपके सामने आकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज वीडियो यहाँ पे रखने वाला हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। ठीक है, किस तरीके से लाभदायक होने वाला है सर, ये तो बताइए सर। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो अब लाभदायक इस तरीके से होने वाला है, जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इस तरीके से होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज 30 वेरी नाइस क्वेश्चंस फॉर ध्यान में रखते हुए एसएससी जेईएन एग्जामिनेशन को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और साथ की साथ आप क्वेश्चन करते करते कॉन्सेप्ट भी सीख जाए और जो भी पुराने क्वेश्चंस भी थे वो आपके साथ रिवाइज होते चल जाए, जो कि आपको ऑलरेडी आते थे बट कभी ना कभी मिस हो जाता है दिमाग से। तो इसलिए वो चीज मिस ना हो और इसलिए वो चीज दिमाग में रहे, तो इसलिए वो चीज दिमाग में रहनी बहुत जरूरी है। कैसे दिमाग में रहेगी, रिवाइज करके। तो वही रिवीजन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आज इस समय। ठीक है गाइस, तो मैं चाहूंगा, रात तो हो चुकी है लेकिन जल्दी जल्दी सी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इट विल बी अ इट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई रियली होप कि इस सेशन में, इन दिस पर्टिकुलर सेशन, यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय बिकॉज टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू सम क्वेश्चंस फॉर मशीन्स फॉर एसएससी जेई एग्जामिनेशन। मशीन्स थोड़ा सा मेजरमेंट है, तो इस मशीन्स में भी स्पेसिफिकली आई एम कंसिडरिंग द ट्रांसफॉर्मर्स ओनली ओनली ट्रांसफॉर्मर्स आई एम कमिंग विथ। सो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो अप टिल नाउ यू आर शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ अपनी टीम के बारे में। दिस इज अवर टीम एंड यू वेरी वेल नो अवर टीम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम इन द इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसमें हमारे ही टीम के लीड है अंकित सर, विल बी लीडिंग अवर टीम। There is no need of introduction that who is Ankit sir. Everyone of you knows him. Vishal sir is the communication expert, communication department ki expert hai. Kamesh sir is the expert in the analog and digital, analog and EDC ke liye. Ajay sir is the expert in the core subjects. Rajkumar sir SSC JEN ke section ko dekhenge. LNN Sharma sir will be dealing the non-technical portion. Shankar sir will be dealing the electric circuit and microprocessor. Pramit sir is the expert in the instrumentation and me and Rahul sir and me will be taking the different examination, sometimes gate, sometimes aapke koi alag examination. Right now I am providing SSC JEN ke liye aapke 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 liye main question series lekar aaya. Theek hai, so this is all about me, you know very well. I'll take few minutes of you in this complete session. This complete session will be of 1 hour only and ye mere bare mein hai. My name is Khemendra. I am M.Tech from MNIT Jaipur in Power Electronics and Drives. I have around 2 years of teaching experience in GATE and ESC and 1 year of job experience in Central Government Department. I teach multiple subjects for GATE examination. The most important thing is, if you guys like me, if you guys want to support me, and if you also want to take the subscription, you can take the subscription with my code. KHEMLIVE is my code. KHEMLIVE is my code. You can take subscription of any duration, 1 month, 16, 1 month, 18, 1 month, 12 months, या फिर 6 months, तो आप मेरा कोड को यूज कर सकते हैं. ओके, यू कैन यूज माई कोड. नेक्स्ट, वॉट इज द एडवांटेज ऑफ कमिंग इन द अनअकेडमी प्लस थिंग.
दैट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, द कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी एंड ऑल्सो द अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो डेफिनेटली. यू विल लर्न अंडर अंडर द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट एजुकेटर्स से आप पढ़ेंगे डेफिनेटली. It will. I am also running a crash course right now. If you want to join me, you can join in Unacademy Plus with my code KHEMLIVE for different kind of examination. I am running right now machines for different kind of examination. I am running machines. Please go and ask to the students. I will definitely say कि उन स्टूडेंट्स से जाके जरा पूछिए कि किस तरीके से उनको मशीन्स पढ़ाई जाती है, किस तरीके से एग्जाम सेंट्रिक होकर सारी पढ़ाई होती है. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्टूडेंट से बात करें, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उन स्टूडेंट से बात करिए. आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वहां पर क्लासेस चल रही है एंड बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है वहां पर. सो आई एम प्रोवाइडिंग अ क्रैश कोर्स हियर ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, एस एस सी जेईन एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीसी एनएलसी एंड अदर एवरी एग्जामिनेशन के लिए, हर चीज के लिए मैं वहां पर हर एग्जामिनेशन को मैं वहां पर कवर कर रहा हूँ. लेक्चर्स विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस. सो इट डजेंट मैटर कि आपका लेक्चर इंग्लिश में ही होगा या फिर हिंदी में ही होगा. नो डाउट विल बी अनसॉल्व एंड एक्सेसिबल टू लैपटॉप कंप्यूटर, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू कैन यूज माई कोड, KHEMLIVE इज माई कोड. चलो नाउ विल स्टार्ट टूडेज सेशन. आई हैव अराउंड 30 क्वेश्चन फॉर यू. सो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू के जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. यू हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन एंड इन द 30 सेकेंड्स आई विल नॉट डिस्टर्ब यू एंड आफ्टर द 30 सेकेंड यू विल नॉट डिस्टर्ब मी. And please listen to what the answer is. Okay, clear. So the, your 30 seconds are going to start. I want your reaction in the chat box that you are here. And please mark your attendance by liking the video, like the video, and mark your attendance. That will be great. Okay, guys. So I hope you enjoyed it, and you will definitely going to enjoy this session. I am starting my first question of today. Here is the first question. You have 30 seconds to answer my question. Yes. This is a very easy question. The question is, the primary and secondary winding of power transformer is always. This is the easier one. Very easier one. This is the objective question series I am providing here. This is the question and you need to give me the answer here. You need to give me the answer here. This is the very easy question for transformer. For SSC JEE and for UPPCL, for each kind of examination, lower level examination, medium level examination, this is the question for you guys. And yes, time is up. So the answer of correct answer of this question will be, I want your correct answer in the chat box. The correct answer of this question will be, definitely a transformer is nothing but, look here. A transformer is nothing but having two coils with a common magnetic circuit. With a common magnetic circuit, a transformer has. Suppose here we have the AC supply. It is going to, this is the primary winding of this transformer. See here, this is the primary winding. This is the secondary winding, winded at the core. This is my core. This is the primary winding and this is my secondary winding. This is my primary winding. So these are my secondary winding. The primary and secondary winding of a power transformer always have a common magnetic circuit. This is a magnetic flux. Here it is a magnetic flux. So we can say it has a common magnetic circuit. It has a common magnetic circuit. This is our target. And I really hope you are enjoying this explanation and you are enjoying what am I teaching to you. If you are enjoying, then please share this video with your friends also and like this video at this time only. Okay, share and like, these are the two things that you must do. Okay, now I'm moving forward for my next question. You have 30 seconds to give me the correct answer of the question. Your next 30 seconds starting at a point this. I'm waiting for your response here. The iron core in the transformer provide dash path to the main flux.
आयरन कोर इन द ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड्स डैश पाथ. ऑप्शंस आर लो रिलक्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई कंडक्टिविटी. सो आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स हेयर इन द चैट बॉक्स. गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी वेरी इजियर क्वेश्चन एज कंपेयर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ओनली वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट गिव्स यू द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. द ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव अ लो रिलक्टेंस कोर. दिस इज द लो रिलक्टेंस कोर. अब ये देखो यहाँ पर ये जो एरिया है ये है मेरे कोर का एरिया. ये है वाइंडिंग. यहाँ पर ये है वाइंडिंग. एक होगी प्राइमरी वाइंडिंग, एक होगी सेकेंडरी वाइंडिंग. अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मेरी कॉइल्स है इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, वो ज्यादा है एट द दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. सपोज ए पॉइंट में क्रॉस सेक्शन कम है तो देयर विल बी लोअर करंट. इफ देयर विल बी अ लोअर करंट इट मीन्स देयर विल बी अ हायर वोल्टेज. लोअर करंट मीन्स यहां पर जो मेरी करंट होगा लो होगा और वोल्टेज होगी हाई होगी. इन दिस पॉइंट करंट विल बी आई विल बी हाई एंड वी विल बी लो. सो दिस इज नथिंग बट स्टेप डाउन. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है इस तरीके से. ये है मेरी कोर. अच्छा ये तो होगी मेरी कोर एक, ठीक है. इसी तरीके से मेरी एक और कोर्स होती है, वो होती है मेरी जब मैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करता हूँ. देखो एक ही क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है, तो जितनी नॉलेज मिल रही है वो ले लेनी चाहिए. मैं तो यही मानता हूँ जब हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करते हैं तो हम कौन सी कोर को इस्तेमाल करते हैं, वो कोर को हम इस्तेमाल करते हैं इस कोर को. दिस इज अ टोरॉइड कोर, सर्कुलर टोरॉइड कोर है ये. एक कोर का डायग्राम मिल गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. इफ यू वांट टू परस्यू इन अ रिसर्च वर्क, सो रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा अगर किसी तरीके से तो वहां पे जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन. या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच में अगर आप रिसर्च करना चाहेंगे या फिर आगे पढ़ाई करना चाहेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज और वेरी कॉमनली यूज है. ये टोरॉइड कोर होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी बिहेवियर होता है, ठीक है. So I hope this you are clear with this question and you are enjoying the session. If you are enjoying it, then please share this video with your friends. Now I am moving forward for my next question. This is my next question. So please pay attention and you have 30 seconds to answer the question. You have 30 seconds to answer the question. Please pay attention and give me the correct answer. Give me the correct answer, guys. I am waiting for your response. Yes, in the chat box. I want your answer in the chat box, guys. Okay, time is up. The flux created by the current flowing through the primary winding induces a EMF. The flux, क्या बोल रहा है? The flux created by the current flowing in the primary winding. अच्छा, primary winding में करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से फ्लक्स क्रिएट हुआ, वो किस में इंड्यूस करेगा ईएमएफ? इंड्यूस किस में करेगा? वो करेगा इन द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब इसको देखो जरा यहां ध्यान से. यहां पर मेरा इनपुट में करंट गया है इस तरफ. जैसे ही मेरा इनपुट में करंट गया है तो ये देखो मेरा फ्लक्स घूम रहा है यहाँ पे, थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, पहले इधर से इधर. और उसकी वजह से बिकॉज फ्लक्स मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन मेरा करंट भी मूव होने लगा है इधर, ठीक है. दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी में फ्लक्स किस तरीके से जाता है. और एक ही फ्लक्स की वजह से इन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ. यहां पर भी क्या आ जाएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ. बिकॉज फ्लक्स इस कोर से इसलिए ट्रू ट्रेवल करेगा क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पाथ. कोर प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ. ठीक है,
कोर प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ, इसलिए फ्लक्स मेरा इस कोर से ट्रेवल करेगा। आई रियली होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, आई एम मूविंग अहेड नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर 30 seconds इज इन द हेयर, सो यू नीडेड टू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन नेक्स्ट 30 seconds, इन नेक्स्ट 30 seconds आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Yes guys, I am waiting for your answer in next 30 seconds. Your time is about to end. Yes, your time is ended. If the applied voltage to certain transformer is increased by 50%. So simply what he is trying to say that the applied voltage is increased by 30%. Voltage is increased by what? 50%. Yes, 50% increase hai. And frequency is reduced by, frequency is reduced by 50%. So kya bol raha hai? Maximum core flux density. Ab core flux density kiske proportional hoti hai? Core flux density is V divided by F. So as voltage is increased by 50%, to main likh sakta hu 1.5 V. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज्ड बाय 50%, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 F, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अब जैसे ही मैंने इसको ये लिख दिया तो 0.5 और ऊपर 1.5, इट विल बिकम 3 times ऑफ V बाय F. इफ इट बिकम 3 times ऑफ V बाय F, इट बिकम 3 times ऑफ B. 3 times ऑफ B का मतलब 3 times हो गई द चेंज इन द 3 times ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। जो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रह जाएगी आउटपुट पे ये चेंजेस होने के बाद वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी में, दैट विल बी 3 times ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, दैट विल बिकम 3B, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा और क्या क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, और क्या कह सकते हैं? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ये भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आई रियली होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा सारी चीजें। अब मैं आगे चल रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ, हमको सेशन जल्दी जल्दी करना है, वी हैव ओनली 1 hour इन फॉर दिस सेशन। मैं आगे चल रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव 30 seconds टू गिव मी द करेक्ट आंसर गाइज। आई रियली होप यू आर इंजॉइंग दिस सेशन, एंड इफ यू आर इंजॉइंग दिस शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो ऑल्सो and give me the correct answer in this case guys. The core flux in the transformer depends mainly on, देखो और time is up, okay, core flux is phi, what we know कि B will be phi by A, that will be what, और B किसके प्रोपोर्शनल है? B इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F. तो जो ये जो फ्लक्स हो गया ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ही करेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये मेरे लोड करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मेरा लोड करंट जो मेरा फ्लक्स जनरेट करेगा वो अपने आप में ही उसकी वैल्यू को नलीफाई कर देगा, नल कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो लोड है इस पे ये डिपेंड नहीं करने वाला है, लोड यहां पर भी आ गया, और लेकिन बी इज माय करेक्ट आंसर वेयर सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट वन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यू कैन डेफिनेटली कम टू मी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है सर लोड पे कैसे डिपेंड नहीं कर रहा, लोड चेंज हो गया, तो कई सारे स्टूडेंट को डाउट हो जाता है। मैंने आज ही जो मैंने प्लस क्लास ली है उसमें मैंने ये चीज डाउट क्लियर किया है स्टूडेंट का, कोई बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। So I hope you are understanding these concepts and the correct answer for this question is supply voltage and frequency. Okay, I am moving ahead for my next question, question number 6, and your time starts now. It is a very easy question, give me the correct answer for this particular question. Yes, you can do it, I will give you extra time in this question, give me the correct answer. Give me the correct answer guys. Yes, I'll give you extra 15 minutes for this.
आई विल गिव यू एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फॉर यू दिस, सो एक्स्ट्रा टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड. गिव मी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यस गाइस, ओके, योर टाइम इज अप नाउ. नाउ वेट फॉर माय, ओके. सो देखो व्हाट इज ही सेइंग. देखो फुल लोड कॉपर लॉस कितना होता है, आई स्क्वायर आर, ये होता है फुल लोड. अब देखो इधर क्या बोल रहा है, 7 बाय 8th ऑफ आई पे उसका लॉसेस हो गए. इसका मतलब ये स्क्वायर इनटू आर विल बी इक्वल टू 4900. सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 49, ये हो गया 64. आई स्क्वायर आर विल बी 4900. मुझे क्या निकालना है, फुल लोड पे कितना है, वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है. इन चीजों को इधर ले जाऊंगा, इन चीजों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू 4900 डिवाइडेड बाय 49 इनटू 64, विच विल बिकम 6400. सो क्लियरली माय करेक्ट आंसर इज बी, इज माय करेक्ट आंसर. बी इज माय करेक्ट आंसर गाइज. आई रियली होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड मल्टीपल टाइम्स. दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन सच अ वे जिस तरीके से मैं आपको अभी यहाँ पे कराने वाला हूँ. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई रियली होप. इफ इट इज क्लियर देन प्लीज शो मी योर रिएक्शन इन द चैट बॉक्स बाय गिविंग द थम्स अप साइन. डेफिनेटली इफ यू रियली होप के आप अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छे से अच्छी तरीके से नॉलेज आपके पास गेन हो रही है, देन शो मी योर रिएक्शन बाय शोइंग योर थम्स अप साइन इन द चैट बॉक्स. दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेट एंड आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन. You have 30 seconds to answer this. Very easy question. I will not take much time on such kind of questions because already such kind of questions have been come in the examination. That's why I am forcing to do such kind of question because agar there are most of the students who don't know the correct answer of this question also. So for them, it will be very, very beneficial. Okay? Don't worry about it. Don't feel lagging towards ki aapko nahi bhi aa raha hai, toh it's not a big deal. Some things you know, some things you don't know. If you don't know this answer, then don't worry about it, okay? So the equivalent condition for transformer, the equivalent circuit will be shown in the figure. Kaun si condition ke liye ye mera equivalent circuit ho jayega? The correct answer is the open circuit test. Open circuit test mein kya hota hai? For open circuit ke liye, ek hota hai mera leakage component aur ek hota hai, yahan par mera current flow hoga. यहाँ पर मेरा लॉस कंपोनेंट होगा, यहाँ पर मेरा आई म्यू होगा और यहाँ पे मेरा आई डब्ल्यू होगा. आई म्यू इज माय मैग्नेटाइजिंग करंट, एंड आई डब्ल्यू इज माय लॉस करंट. लॉस कंपोनेंट कहते हैं इस चीज को, ठीक है? तो ये हम शॉर्ट ओपन सर्किट टेस्ट जब क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे ये चीज हमारे काम आती है. ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में और जानना है तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? और मैं जो कोर्स चला रहा हूँ उसमें सारी यही चीजें चल रही है और इसीलिए फिर मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सुबह पढ़ के अगर शाम को इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कोर्स चला रहा हूँ प्लस पे, सो वहां पे स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है और यहाँ पर भी अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आज ही ये टॉपिक कंप्लीट किया है मैंने वहां पर, ठीक है गाइस? तो आई रियली होप यू आर लाइकिंग द सेशन. प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर 30 seconds ऑलरेडी स्टार्टेड. प्लीज गिव मी योर करेक्ट आंसर एंड प्लीज शो मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स. वी नीड टू डू questions early now because we need to finish up this thing, this complete session in the 1 hour only. Yes, I need your reaction at the chat box. Your time is about to over. 2 1 0 time up. Bus. The 2 kV transformer, the 2 kVA transformer has the iron loss of 150 watt and the full load copper loss is itna.
द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल अकर ओन व्हेन द टोटल लॉसेस। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता हुआ मुझे दिख रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन होती है कि मेरा जो कोर लॉस है डेट विल बी इक्वल टू, अब कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कोर लॉस इज माय कांस्टेंट लॉसेस। व्हाट इज दिस 150? कॉपर लॉस इज माय वेरिएबल लॉसेस, विच डिपेंड्स ऑन द लोड, विच डिपेंड्स ऑन द लोड कितना है मेरा। अब जब लोड कितना है मेरा ये मुझे पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगा, मैं कैसे पता करूंगा, क्योंकि उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, मेरा जो ये वेरिएबल लॉस है ये कॉन्स्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट लॉस चेंज ही नहीं हो सकता, तो वेरिएबल लॉस कितना हो गया, वो भी हो गया 150। वेरिएबल लॉस कितना हो गया, वो भी हो गया 150। अब मुझे पता है टोटल लॉस कितना रह गया इस केस में, टोटल लॉस कितना रह गया, 150 प्लस 150 गिव्स यू 300। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सी 300 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी 300 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम मूविंग अहेड, आई रियली होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन, प्लीज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स इफ यू आर एंजॉयिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स आर हियर, यस। अभी अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी, जरा देख के बताओ क्या आंसर होने वाला है। यू हैव 20 सेकंड्स टू डू इट। आई विल डू दिस क्वेश्चन वेरी अर्ली बिकॉज दिस इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द कॉन्सेप्ट अबाउट इट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द कॉन्सेप्ट अबाउट इट, इफ एंड एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर रिएक्शन इन द चैट बॉक्स। योर टाइम इज अबाउट टू एंड, यस। द कोर फ्लक्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज, द कोर कोर फ्लक्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर विद द रेजिस्टेंस लोड। अब ये देखो, अगर मैंने लोड चेंज कर दिया तो क्या मेरे जो ट्रांसफॉर्मर के कोर फ्लक्स में कोई वेरिएशन आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल आने के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि मेरा कोर जो फ्लक्स है वो मेरे लोड पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। ए विल बी द स्ट्रिक्टली कॉन्स्टेंट विद द लोड चेंजेस, इट स्ट्रिक्टली कॉन्स्टेंट विद द लोड चेंजेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स हैव बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, दिस इज द इजियर वन, दिस इज द इजियर वन, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स ऑलरेडी स्टार्टेड गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। थ्री फेज 5 kV 5 MVA सिस्टम, वॉट इज द बेस इंपिडेंस? देखो कभी भी समस्या दिक्कत आ जाए, एक तरीका बता रहा हूं अभी बेस इंपेडेंस निकालने का। ये तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स में कई बार बच्चे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उस तरीके ले उस तरीके से बताता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर पता है, ये बेस है तो मैंने आर बी कर दिया, आर बी विल बी वी आई, आर बी विल बी वी आई। अब मल्टीप्लाई बोथ दिस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में वी से, मल्टीप्लाई बाय वी कर दिया, तो आर बी बराबर वी स्क्वायर बाय वी आई, वी स्क्वायर बाय वी आई को मैं लिख सकता हूं के वी का स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी ए, तो आर बी क्या रह गया मेरा, के वी का स्क्वायर मतलब 5 के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 MVA, आर बी बराबर 5 kV का 25 × 10^6, 5 × 10^6, 10^6 से 10^6 कैंसल, इट विल बिकम 5 ओम, दिस इज द आर बेस फॉर यू गाइज, दिस इज द आर बेस फॉर यू गाइज। आई रियली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एम आई ट्राइंग टू कन्वे।
बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल और मीडियम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन. मस्ट मोस्टली दे दिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड एंड इफ नॉट बीन आस्क्ड. बट ये तो इतना आसान चीज है. पर यूनिट इम्पिडेंस तो आपको आनी ही चाहिए, पर यूनिट इम्पिडेंस तो आपको आनी ही चाहिए. ठीक है गाइज, तो आई रियली होप कि यू आर इंजॉइंग दिस सेशन. एंड इफ यू आर इंजॉइंग दिस सेशन देन प्लीज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स सो दैट द अदर स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन अस. ओके, so that the other student can also join us. I am moving ahead for my next question. So please participate and give me the correct answer for this question. There are lots and lots of things which are here which I can teach you about the per unit impedance. So please be cooperate and अभी और अगले session में और questions ले आएंगे per unit impedance के भी. तो उम्मीद है कि आपको session बहुत पसंद आ रहा होगा. Guys like कीजिए, share कीजिए अगर session पसंद आ रहा है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वोल्टेज रेगुलेशन क्वेश्चन. यू हैव 30 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन. टुडे ओनली आई हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन. नाउ अच्छा, यू हैव टाइम टू डू दिस क्वेश्चन ए बी सी या फिर डी. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन. Yes, time is up. So there are two values which are here. See here, what will the value of R per unit? 0.02. What will be X per unit? 0.04. What will be the voltage regulation for lagging load? R per unit cos of phi plus X per unit sin of phi. R per unit is 2.02 into 0.8 है ना, plus 0.04 into 0.6. This will become 0.016 plus this will become 0.024. The overall will become 0.04 and this is the 4%. For leading value, it will become R per unit cos of phi minus X per unit sin of phi. It will become 0.016 minus 0.024. Overall value will be minus 0.008. It will become around minus 0.8%. So these are the voltage regulation. These are the voltage regulation for which you can do. The correct answer for this question will be A is the correct answer for this particular question, guys. A is the correct answer for this particular question. I really hope you are enjoying the session. Next 30 seconds is started. Next 30 seconds already started. In a transformer, the hysteresis and eddy current losses depends upon. In a transformer, the hysteresis and eddy current losses depends upon what? Option number 1, load current. 2, maximum flux density. 3, type of lamination. 4, supply frequency. On what factor the eddy current and the hysteresis losses are dependent? Time is up. I am about to answer this question. देखो, definitely your losses will depends upon what? B. Because eddy current losses is nothing but B का square, F का square. And hysteresis losses is nothing but B की power 1.6F. So it definitely depends upon the magnetic flux density. So 2 is the correct answer for you. It will not depend because these are the core losses. So it will not depend on the load current.
इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लोड करंट. व्हाट आर द टाइप ऑफ लेमिनेशन? द टाइप ऑफ लेमिनेशन उसमें क्या होता है कि लेमिनेशन प्रोवाइडेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस. लेमिनेशन आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस. Laminations are provided to reduce the eddy current losses, and definitely these losses will be depending on the supply frequency. Here, F you can see. So, 2 and 4 is the correct answer for you. देखो, laminations are reduced, पर hysteresis losses पे depend नहीं हो रहा ना lamination का, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं होगा. ठीक है? This is the thing. This is the thing that you need to capture in your mind. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं. In the next 30 seconds, you need to give me answer of this particular thing. Eddy current losses in ferromagnetic core is proportional to. There is no need to think about too much because I have in the previous slide I have already given you the exact value that the eddy current losses will be equal to B square F square. So it will be directly proportional to add F square. ठीक है? So there are two things. It is directly square of the proportional to square of the frequency. ठीक है, ये तो हो गई प्रोपोर्शनलिटी की बात. एक और बात बता देता हूं कि B को हम क्या लिख सकते हैं. B को लिख सकते हैं V by F. जब मैंने V by F लिख दिया तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इट विल at constant V by F, so it will depend upon this only, voltage square only, because ये F नीचे से और यहाँ से cross हो जाएगा, cut जाएगा, W is proportional to V square only. ठीक है, there are some more condition which I will teach you when it comes, okay? There are much more conditions. Next question, this is a measurement question, I think you can do it very easily. You can do it very easily. Please do it. Do this question. You have 20 seconds to answer this question. Yes, you can do it very easily. You can find out the value of R. R4 you needed to find out. It is already given. It is a Wheatstone bridge. Yes, time is up. So I am writing the value for R will be what? 100 into 5 divided by 10. What it will be? 50. 50 तो सर सारे आंसर है, फिर ये कैसे हो गया? 50 तो सारे आंसर है, पर जो लिमिटिंग एरर है वो अलग अलग है. जब भी हम मल्टीप्लीकेशन या डिविजन करते हैं किसी भी चीज का, ये था 2%. क्या होता है इसमें लिमिटिंग एरर के केस में, क्या होता है जरा देखते हैं. लिमिटिंग एरर के केस में ये होता है 100 प्लस माइनस 3% मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 इंटू प्लस माइनस 5% डिवाइडेड बाय कितना था 10 प्लस माइनस 2%. ये तीनों परसेंटेज जो एरर है ये ऐड हो जाएंगे. इतना हो जाएगा 3 + 5 + 2, इट विल बी 10% फॉर ओवरऑल. सो प्लस माइनस 10% इट मीन डी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई रियली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन अ इजियर वन इज फॉर यू. अ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज अ फ्लक्स मीटर. Your answer should be given in less than 30 seconds. Definitely, this is the easier one. This is the very easier one. You need to give me your answer right now. Of now, what is a flux meter? Flux meter does not have a controlling torque.
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाय रिमूविंग द कंट्रोल स्प्रिंग। कंट्रोल स्प्रिंग की बड़ी अच्छी कहानी है पीएमएमसी में। कंट्रोल स्प्रिंग किस लिए यूज करते हैं? टू रिड्यूस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड टू मेक द पॉइंटर टू रीच इट्स इनिशियल पोजिशन ठीक है, वेन द करंट इज नॉट अप्लाइड और अदर थिंग्स द कंट्रोलिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अनदर थिंग इन द पीएमसी इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोल स्प्रिंग इज ऑल्सो यूज एज द लीड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो दैट the control spring is also used as the leads of the instrument so that if the control torque is if the control spring is broken so my deflection my pointer will reach the zero scale, it will not go to the maximum value because if the it is as it is connected in the lead so what will happen the current the deflecting current deflecting torque ke liye deflecting current chahiye wo bhi meri lead se hi hoke jata hai to jab wahi current nahi jayega to bhi deflecting torque hoga hi nahi to wo zero pe hi rahega। pmc ke upar ek aur question lo, pmc ke upar ek aur question chal raha hai mera ki for the ac values pmc will not give any value, pmc will just oscillates towards the zero axis। pmc meri कभी भी मेरे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट कभी भी मेरी एसी वैल्यूज के लिए कोई वैल्यू नहीं देता बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन माय आई हैव अराउंड 20 मोर मिनट्स विद मी इन दिस सेशन सो आई विल जस्ट मूव फर्दर टू कंप्लीट माय नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव। You have 30 seconds to answer the question. I am waiting for your question right now, right here. Yes, guys, I am waiting for your questions. You need to give me the correct answer of this question. This is a very easy one. The only easier question I am coming here. Okay, with only easier question I am coming here. Sensitivity of voltmeter is nothing but the it is what. ओम बाय वोल्ट इसकी यूनिट होती है एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो सी ए एंड बी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर मी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम मूविंग लिटिल फास्टर नाउ बिकॉज आई नीडेड टू कवर मच एंड मोर थिंग्स। फुल स्केल कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय इतना एंड इतना। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ हाफ फुल लोड कितना होगा? हाफ फुल लोड कॉपर लॉस की बात करूं तो पहली बात तो मेरी ये है कि अगर मेरा कॉपर लॉस अगर मेरा कोर लॉस वो होता है मेरे कांस्टेंट लॉसेस तो ऑब्वियसली मेरा कोर लॉस यहां पर 5000 ही होगा। 5000 मेरा एक ही ऑप्शन में टच कर रहा है इधर। अब ये तो क्वेश्चन हो गया पर ये 1600 कहां से आया? किसी को अगर सवाल आ जाए किसी को कि सर अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी तो बता दो लेकिन एग्जामिनेशन में तो इतना ही इंपॉर्टेंट है ये करके बस आगे निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है। पीछे मुड़ के मत देखना क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है, आगे चले जाना है इसको टिक करके। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आता है ये आंसर। ये होता है आई स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू 6400 I square R will be equal to 6400. Now you needed to find out what? You need to find out what? 1 by 2 I square R. ये चीज आपको निकालनी है तो ये 6400 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। 4 इधर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। This is a half full load condition. So it will become 1600. तो 1600 इज द करेक्ट आंसर। 6400 डिवाइड बाय 4 इज योर 1600 इज योर करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, आई रियली होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मीटर। इंडक्शन मीटर की मैं बात कर दू, इंडक्शन मीटर इज प्योर RMS वैल्यू देता है आपको। Your RMS is provided whether TD is proportional to I square. For moving iron instrument also, TD is proportional to I square. For PMMC instrument,
टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई, दिस स्केल इज लीनियर, दिस स्केल इज नॉन लीनियर। ठीक है गाइस, आई रियली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अब जल्दी जल्दी सी आगे बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आई नीडेड योर आंसर राइट नाउ राइट हियर। द कम्यूटेटर इन द डीसी जनरेटर विल एक्ट एज द वर्क ऑफ द कम्यूटेटर टू कन्वर्ट द फॉर डीसी जनरेटर द वर्क ऑफ कम्यूटेटर इज डिफरेंट एंड फॉर डीसी मोटर द वर्क ऑफ कम्यूटेटर इज डिफरेंट। फॉर डीसी जनरेटर द कम्यूटेटर विल वर्क एज अ रेक्टिफायर एंड फॉर डीसी मोटर द कम्यूटेटर विल रन वर्क एज अ इन्वर्टर। सो दिस इज द कॉमन डायग्राम ऑफ अ कम्यूटेटर और इसी के साथ ब्रशेस भी कनेक्टेड है, उसी के साथ मेरे ब्रशेस भी कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन कई कई तरीके से आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन डील करते हुए चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ, दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बी। अगर मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर बढ़ गई है तो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से किस चीज से फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली टाइम इज अप, डेफिनेटली द आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी पॉइंट नंबर 3, रिमेन्स द सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द सेकेंडरी आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यू हैव 30 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस वेरीज विद द लोड, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस वेरीज विद द लोड इन द ट्रांसफॉर्मर। कोल लॉसेस, कॉपर लॉसेस, इट इज अ वेरी इजियर वन, कोल लॉस इज द आंसर। It varies with the loss because it is I square R. On what factor this core loss will be depending? Core loss will be of two type: eddy current losses hysteresis losses. एडी करंट लॉसेस क्या होती है? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोर लॉस विल बी द आंसर। ऑन कोर लॉस विल बी डिवाइडेड बाय This is what B square F square. This is what B की power 1.6 F. The correct answer is for this question will be copper losses. That is the I square R, also known as ohmic losses. Next question, your 30 seconds already started. Please give me the correct answer for this question. You have very less time. 30 seconds already started. 20 seconds already done. जल्दी आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। The correct answer for this question is the silicon steel, the lamination of transformer core. Lamination of transformer core. Why the laminations are provided? Why the laminations are provided? To reduce eddy current. Silicon steel. सिलिकन स्टील से क्या होता है? सिलिकन स्टील इज अ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस,
हाई परमिएबिलिटी, एंड लेस स्ट्रेसेस। एंड लेस स्ट्रेसेस इज प्रोवाइडेड बाय दिस सिलिकॉन स्टील। एंड नाउ हिस्टेसिस मीन्स इट विल मेक हिस्टेसिस लूप थिनर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर 30 सेकेंड्स हैव बीन स्टार्टेड। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइज। ट्रांसफॉर्मर कोर इज लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिस्टेसिस लॉसेस, नो रिड्यूस हिस्टेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, नो मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस। यस, सिलिकन से हम इसको कोटिंग करते हैं, सिलिकन स्टील से। सिलिकन के बारे में जरा खास बात बता दे, इसका रेजिस्टेंस होता है कम, तो ये एडी करंट को अपोज करती है, अपोज द एडी करंट्स। एडी करंट को अपोज कर गई है, होता क्या है, इसकी कौन सी लेमिनेशन यूज करते हैं वो आगे आ जाएगा। सो अभी इतना समझ लो कि इट इज यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, इट इज यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स एट दिस एंड, प्लीज शेयर योर रेस्पॉन्स विथ मी। प्लीज गाइज शेयर योर रेस्पॉन्स विथ मी, आई एम हेयर वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स ओनली। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज केप्ट क्लोज्ड, कौन से ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्लोज रख देते हैं। जिस टाइम इज अप, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी करंट ट्रांसफॉर्मर की हम सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि करंट ट्रांसफॉर्मर को अगर ओपन कर दिया जाए तो उसमें एक्सेस वोल्टेज जनरेट होने के चांसेस रह जाते हैं, एक्सेस वोल्टेज को जनरेट होने के चांसेस रह जाते हैं अगर हम उसकी आउटपुट को ओपन रख दिया जाए। ठीक है, और वो हमारे पूरे सिस्टम के लिए, ट्रांसफॉर्मर सिस्टम के लिए हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, क्वेश्चन नंबर 25, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स एंड एट दिस एंड, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग हियर फॉर योर रेस्पॉन्स गाइज, प्लीज डू इट फास्ट एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। यू हैव 15 सेकेंड्स रिमेनिंग, यू हैव 15 सेकेंड्स रिमेनिंग गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स हियर। यस, टाइम इज अप। इफ पी वन एंड पी टू ऑफ आयरन एंड कॉपर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड बता दिया है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज एट द फुल लोड, मैक्सिमम एफिशिएंसी बता दी इज एट द फुल लोड, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पी वन एंड पी टू। रूट ओवर ऑफ पी सी डिवाइडेड बाय पी सी यू, इट विल बी 3/4, बिकॉज 3/4 इसलिए क्योंकि 75% है, 0.75, तो 3/4 लिख दिया मैंने उसको। रूट ओवर ऑफ पी वन बाय पी टू, पी वन इज योर कोर लॉस, पी टू इज योर कॉपर लॉस, तो रेशियो ऑफ पी वन डिवाइड बाय पी टू स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/16। 9/16 होते ही ये हो गया मेरा, ए इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स एट दिस एंड। दिस इज अगेन अ वेरी इजियर क्वेश्चन, प्लीज शेयर योर ओपिनियन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइज। यस, टाइम इज नॉट ऑल नॉट खत्म नहीं हुआ टाइम, लेकिन मैं बता रहा हूं ये हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस, रूट ओवर ऑफ ये हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस, ये हो गया रूट ओवर ऑफ
रूट ओवर ऑफ पी सी डिवाइड बाय पी सी यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया यहाँ पर, फुल लोड क्या है, ये है मेरा, ये हो गया मेरा कितने हाफ, कौन से लोड पे चल रहा है, ये हो रहा है दिस इज माय 0 डिवाइडेड बाय 500 बटे 2000। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 500 वन बाय टू, ये हो गया 250 केवीए। देखो फर्क कॉपर लॉस पे, अगर डबल हुआ है तो 4 टाइम्स फर्क पड़ेगा कॉपर लॉस पे। अगर मेरा लोड डबल हो गया, ये देखो इसकी रेटिंग कितनी थी, तो 4 टाइम्स फर्क पड़ेगा कॉपर लॉस पे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। स्क्वायर टर्म्स जितना भी डबल हुआ है उसका स्क्वायर टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन, आई एम वेटिंग फॉर ए रेस्पॉन्स एट दिस एंड। द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन इज टू रिड्यूस द वेट पर केवीए। आई रियली वॉन्ट, ये जो नोट्स पॉइंट है इनको आप साथ साथ लिखते भी रहा करिए, टू रिड्यूस द वेट पर केवीए ऑफ द सिस्टम। द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर मेटेरियल, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर मेटेरियल शुड बी हैव अ लो रिलक्टेंस, लो हिस्टेसिस लॉसेस एंड हाई परमिएबिलिटी, लो हिस्टेसिस लॉसेस एंड हाई परमिएबिलिटी। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर माई क्वेश्चन सी। नेक्स्ट, द आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय अ एयर कोर, देन द हिस्टेसिस लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर विल बी, बताइए जरा इसका आंसर बताइए। एक बार मुझसे पहले भी पूछा था एक स्टूडेंट ने सवाल, जरा बताइए, अगर मेरी आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय द एयर कोर, देन हिस्टेसिस लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी व्हाट, योर टाइम इज अबाउट टू एंड, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। यस टाइम इज एंडेड। सो देखो, अगर मेरी आयरन कोर की जगह मेरी कोई कोर है ही नहीं, सिंपल सी बात है, एयर कोर है, अगर मेरी कोई कोर है ही नहीं तो क्या होगा, देयर विल बी नो हिस्टेसिस लॉस एंड माय हिस्टेसिस लॉस, बिकॉज द हिस्टेसिस लॉस इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हिस्टेसिस लॉस इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज योर हिस्टेसिस लॉस, ठीक है, इसीलिए हिस्टेसिस लॉस पे विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर टुडे, आई एम रियली होप के यू हैव लाइक सच क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यस गाइज, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, ट्रांसफॉर्मर कोर लेमिनेशन आर कोटेड विथ enamel layer, coated with enamel layer in order to insulate the laminations from each other, in order to insulate the laminations from each other, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको, enamel layer को, enamel layer को हम इस्तेमाल करते हैं in order to insulate the laminations from each other, एक दूसरे से भी वो affect ना कर जाए उसके लिए। So this is all about today's session. I really hope you are interested in the plus course now, because the way we are teaching here is the same way, और यहाँ पे उससे भी बेहतर तरीके से हम plus में आ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ने ये वीडियो पूरा देखा होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको देखने के बाद you are urging to get a plus course, and if you are urging then you can use my code, KHEMLIVE is my code. With this code you will get 10% of discount. How to do it?
यू कैन जस्ट लॉग इन टू दिस वेबसाइट www.unacademy.com एंड देन सेलेक्ट योर गोल गेट एन ESC. आई एम टीचिंग इन गेट एन ESC एंड विथ माई टीचिंग ऑल्सो यू विल गेट द वे टीचिंग ऑफ वेरियस टीचर विच आर टीचिंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. बहुत ही शानदार तरीके से अवेलेबल है वो यहाँ पे गेट एन ESC के लिए. You just need to click on the subscription button. You need to just click on the subscription button. After this, you need to select how much months का plan, how much months plans you will be requiring. कितने महीने का plan आपको चाहिए और कितने महीने में आप वो चीज easily grab कर लेंगे. Next, you need to use my code KHEMLIVE. चलो ठीक है. तो आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. इफ इट इज अ 25,000 आफ्टर यूजिंग माय कोड इट विल बिकम 22500. सो दिस इज हाउ टू डू इट. यू कैन यूज द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. यू कैन यूज अ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि यहाँ पे हो जाएगा नो कॉस्ट EMI. And one special thing which is we are already started, I think, कि you can choose the EMI option for the debit card also. With the debit card also, you can choose the EMI option. So I really hope you have liked my video. If you have liked my video, then please share and please like this video and share this video with your friends. आई होप यू हैव एंजॉयड माई सेशन एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो जरूर जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ओके गाइज, सो कल मिलते हैं 10 बजे रात के इसी टाइम पे. सो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे. बाहर मत निकलना, अभी थोड़ा कोरोना चल रहा है तो फिर बाहर नहीं निकलना. उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज.